मैं सहदेव और स्वागत है आपका दिन भर की 10 बड़ी खबरों के लिए। पहली खबर में आपको बता दें कि शरद पवार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में मध्य अवधि चुनाव होने की पूरी संभावना है। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार 5 से 6 महीने में गिर सकती। वहीं दूसरी खबर में आपको बता दें कि मुंबई में राजनीतिक घमासान के बाद अब आदित्य ठाकरे की गर्दन पर भी तलवार लटक रही है। व्हिप का उल्लंघन करने के मामले में जा सकती है उनकी विधायक। वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 को पहुंचेंगे देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन करने। देवघर से बनारस के लिए ट्रेन का भी कर सकते हैं ऐलान। मोदी के इस दौरे को लेकर देवघर में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की अगुवाई में इंतजाम पुख्ता किए जा रहे हैं। वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि पार्टी को तोड़ने का प्रयास बदले की भावना से हुआ है। हमारी ऑक्सीजन पावर सत्ता नहीं है, पार्टी इसलिए सत्ता है। पार्टी में लोग आते हैं और चले जाते हैं, हमारे लोग भी चले गए, लेकिन ये लोग वापस चुनकर कैसे आएंगे? ये तो शिवसेना के नाम पर हमारी मेहनत से चुनकर आएंगे, हम दोबारा चुनकर आएंगे और दोबारा जनता के लिए काम करेंगे। वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल को 100 दिन पूरे हो गए हैं, जिसके चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही कांग्रेस और सपा पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि 87 साल में पहली बार यूपी उच्च सदन कांग्रेस मुक्त हो गया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हर रोज नए कीर्तिमान रचे जा रहे हैं। यूपी में पहली बार किसी सीएम ने कार्यकाल पूरा कर दूसरी बार जीत दर्ज की। हमने जो वादे किए थे हमने उन्हें बाखूबी और अच्छे तरीके से निभाया। वही अगली खबर में हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आज विधानसभा में कहा, वही पार्टी जिसने मुझे सीएम बनाया, अगर मेरी पार्टी मुझसे कहती तो मैं घर पर भी बैठ जाता। आज मैं आपको बताता हूं कि इस सरकार में कैसे सत्ता के लिए संघर्ष नहीं होगा, हम सहयोग करते रहेंगे। लोग ताना मारते हैं कि यह ईडी की सरकार है, तो हाँ, ये एकनाथ शिंदे और देवेंद्र की सरकार है। जी हाँ, ये ईडी की सरकार है। वही अगली खबर में आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से अपनी सियासत का विस्तार लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में पार्टी ने 1700 काउंसलर सीटों पर 14 मेयर सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। पार्टी के नेताओं की तरफ से पूरी ताकत चुनाव में झोंकी जा रही है। नगर निकाय चुनाव के रास्ते पार्टी की नजर वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव पर भी है। बीते शनिवार को आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सिंगरौली सीट से मेयर उम्मीदवार रानी अग्रवाल के लिए रोड शो कर उनके लिए प्रचार किया। वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है। विधानसभा के इस सत्र पर सभी की नजरें टिकी हुई थी, क्योंकि इस सत्र में विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी का बिल पेश किया जाना था। आखिरकार 11 साल के इंतजार के बाद दिल्ली में विधायकों के वेतन में करीब लगभग 2 गुना बढ़ोतरी हुई है। वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी की सरकार बनवाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि सिंधिया को भी मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था और शिवराज सिंह चौहान को डिप्टी सीएम बनाना चाहिए। वही अगली खबर में आपको बता दें कि एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू कुछ देर में जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन और सीएम हेमंत सोरेन से भेंट कर समर्थन की अपील करेंगे। सोमवार को रांची आई द्रौपदी मुर्मू अपने पक्ष में वोट के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रही है। रांची आने पर एनडीए के नेताओं से भेंट की, वहीं अब जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन और सीएम हेमंत सोरेन से भी भेंट करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें SPN9।